हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं, आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज है 21 फरवरी और आज के दिन में हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम लोग आज मनाते हैं। और मातृभाषा होता क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये जानने की आवश्यकता है। तो मातृभाषा हमारी वो होती है जब हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म के साथ हमारे मुंह में जो पहली भाषा आती है, जिससे हम अपने परिवार में बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिस भाषा के माध्यम से हम प्रचार करते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं मातृभाषा। मतलब हम लोगों की जो पहली भाषा होती है। मातृ का मतलब क्या होता है, मातृ का मतलब होता है माता। मतलब हम लोग माता के जन्म जब जन्म लेते हैं और हम लोग एक भाषा को ग्रहण करते हैं, वही हमारा मातृभाषा होता है। मतलब हम लोग जन्म के साथ जो हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वही हमारा मातृभाषा होता है। तो आज हम लोग 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। तो आज हम लोग इसी बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग आज 21 फरवरी को मातृ दिवस मनाने जा रहे हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि ये मातृभाषा होता क्या है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि ये मातृभाषा होता क्या है। मतलब हमारी जो पहली भाषा होती है उसको हम लोग मातृभाषा कहते हैं। और हम लोगों को ये भी जानने की आवश्यकता है कि ये मातृभाषा क्यों मनाया जाता है। तो मातृभाषा हम लोगों को मनाने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि हमारी जितनी भी हमारी मातृभाषा है, उन सभी को जो सांस्कृतिक रूप से है, वो जो हम लोगों को संस्कृति के रूप में हम लोगों को मिला है, उन सारी भाषाओं को मजबूती प्रदान करना इस मातृभाषा दिवस का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि हम लोग जैसे जैसे आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हमारा देश हो या विदेशों में भी देखिए, तो हम लोग जैसे जैसे आधुनिकता में जा रहे हैं, वैसे जैसे हम सभी को अपनी जो मातृभाषा है उसको हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके सन 1999 ईस्वी को यूनेस्को के द्वारा 1999 ईस्वी में 21 फरवरी का दिन को तय किया गया। और उस दिन यही तय किया गया कि अब हर वर्ष प्रति वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाएगा, ताकि जो हमारी अपनी भाषा है, मातृभाषा है, उसको मजबूती प्रदान किया जा सके। और जो धीरे धीरे जो ये लुप्त होता जा रहा है, उससे हम लोग अपनी मातृभाषा को बचा सके। अब हम लोग के सामने में ये प्रश्न जरूर आएगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, उसको मनाने का मतलब क्या है, मतलब उसे मनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो ये सारी बातें हम लोगों के सामने में आती है। तो हम लोग इतिहास में चलेंगे। बात है 1952 ईस्वी को। तब तक हमारा देश भारत है, वो आज़ाद हो चुका था और दो भागों में विभक्त हो चुका था, एक भारत और एक पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो बनने के बाद 1952 ईस्वी में 1952 में वहाँ पे एक भाषा को लेके विधेयक जारी की जाती है। जैसा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान भी दो भागों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको हम लोग आजकल जो हम लोग कहते हैं बांग्लादेश, वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। तब तक वो आज़ाद नहीं हुआ था, एक अलग देश नहीं बना था, तब तक वो पाकिस्तान के साथ में ही था। मतलब वो एक पाकिस्तान ही था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। तो उसी वक्त 1952 ईस्वी में एक विधेयक पारित होता है, जिस पे जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसको हम लोग वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की भाषा बांग्ला है, वहाँ के जितने भी मुस्लिम हैं वो भी बांग्ला बोलते हैं। तो जब विधेयक पारित किया गया, उस पर बांग्ला भाषा को वो अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसके कारण से जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा आहत पहुंचा था। तो इसी आहत को वे लोग विरोध में उतर आए थे और उन्होंने अपने बांग्ला को बचाने के लिए वो विरोध प्रदर्शन किए थे। और उनका मांग था कि जो विधेयक पारित किया गया है, जिस पे बांग्ला भाषा को अधिकार नहीं दिया गया है सरकारी तौर पे, आधिकारिक रूप से उसे आधिकारिक रूप से दर्जा दिया जाए, ऐसा मांग था उन लोगों का। पर जो पश्चिमी पाकिस्तान था, वहाँ मुख्य केंद्र वही था, पश्चिमी पाकिस्तान, जहाँ से राज
राजकाज चलाया जाता था पूरा पाकिस्तान का, तो वहीं पे वहाँ के लोगों ने, मतलब वहाँ की जो सरकार थी, इसे कुचलने का प्रयास किया। और जो विरोध प्रदर्शन में जितने भी लोग शामिल थे पूर्वी पाकिस्तान के लोग, तो उन लोगों को कुचला गया और कई लोगों को मार डाला गया। तो इस तरह का विरोध हुआ। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को के द्वारा 1999 ईस्वी में इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि अपनी भाषा को बचाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान के लोग, मतलब वर्तमान बांग्लादेश के लोग, अपनी जान गंवा चुके थे। तो इन्हीं को याद रखने के लिए भी मातृभाषा का, जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, उसको मनाने का निर्णय लिया गया। और इसके साथ ही साथ जितने भी, मैंने पूरे विश्व में जिसके भी मातृभाषा है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है, उस पर हमने छोटा सा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है और आप सबों को भी ये ज्ञान देने का प्रयास मैंने किया है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने देश की, हमारे देश में कितनी सारी मातृभाषा बोली जाती है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजभाषा है, जिसको कार्यालय में, ऑफिस में, जितने भी सरकारी कार्य हैं उन सब में उपयोग किया जाता है। तो पहला क्या है, हिंदी, और दूसरा है आपका इंग्लिश। तो हमारे देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आधिकारिक भाषा है हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन इसके पीछे भी मुख्य कारण यही था कोई भी राजभाषा निर्धारित नहीं करने का, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, कई ऐसी भाषाएं हैं जिसको अभी भी आधिकारिक रूप से दर्जा नहीं है मातृभाषाओं को। लेकिन हमारे देश में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती है, जिसको, जिसमें से कई, मतलब 21 भाषा को दर्जा दिया गया है, और 1652 भाषाएं जो है वो मातृभाषा है। तो ये भी हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। और आप सबों को पता है कि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं कि उन सभी भाषाओं को एक भाषा परिवार के रूप में भी शामिल किया गया है। हमारे देश में लगभग 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं, उसी के अंतर्गत में इतनी सारी मातृभाषाएँ आती है। तो हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे, जो पहली भाषा परिवार है वो हिंद आर्य भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, और तीसरा है इंडो एशियाटिक भाषा परिवार, और चौथा है तिब्बत भाषा परिवार। तो हमारे देश में 4 भागों में बांटा गया है भाषा परिवार को, और इसी के अंतर्गत में बहुत सारी भाषाएं आती है। तो इन्हीं सारी बातों को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हिंद आर्य भाषा परिवार से। हिंद आर्य भाषा के अंतर्गत में पाली, प्राकृत, मरवाड़ी, अपभ्रंश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, कश्मीरी, मैथिली, भोजपुरी, नेपाली, मराठी, डोगरी, कुर्माली, नागपुरी, कोंकणी, गुजराती, बंगाली, ओडिशा और असमिया भाषाएं आती है। अब हम लोग जानेंगे द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में। द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तुलु, गोड़ी और कुड़ुक भाषाएं आती है। और आपका एस्ट्रो एशियाई भाषा जो है उसके अंतर्गत में संथाली, हो, मुंडारी, खांसी, भूमिज, खड़िया भाषा और सांवरा भाषा को शामिल किया गया है। और अंत में आता है तिब्बती भाषा परिवार। तो ये जो भाषा है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया का जितने भी भाषा राज्य हैं वहाँ का जो मातृभाषा है उनको शामिल किया गया है। और फिर भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो नेपाल की भाषा है, मणिपुरी है, खांसी है, मिजोरमी है, आहो है और महार है और नागा है। तो इन सारी भाषाओं को तिब्बती भाषा परिवार में शामिल किया गया है। तो इसी के साथ हमने जाना कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है वो भी हमने जानने का प्रयास किया है, और हमारे देश में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती वो भी हमने जाना है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का उद्देश्य आपका यही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो आप सभी को
वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए।